मंडल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपता है क्या हो रहा है यही बता देंगे आप। अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज में, देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, भाई सब बात हो गया, उसका उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा, और एक एक चीज तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं, आपको पता है कब बना था, कब बना था, श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे, उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आई बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं? हम लोग तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया, तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं इसे ही। अब जो नम्मा ले रहे हैं, वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है, कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब। चाय नाश्ता करते हैं मतलब, आपको पता नहीं है, आप सब लोग आए ना थे जी, हम लोग आप लोगों को रखे थे, जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी, अब बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की, और उसी तरह से वहां था, वहां तो हम तो कह दिए थे, चूंकि हमको राजकीय इच्छा नहीं मिला पाई, तो बात हो गई अंदरूनी। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में, बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, सब भ्रष्टाचारी बने हुए हैं। अरे भाई, अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा, आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है, तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं, एक एक चीज बोलिए, आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार भी नाम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी, आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ठीक करते थे, अभी आ गया है लोग, तब 20-21 साल से तीनों का हो गया, वहाँ राज किए एक राज्य में, फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है, तीनों का तो एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, आई बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए, और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को, इधर पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा, जो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब जरा देखिए ना, बिहार में कितना काम हम लोग किए, अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का, अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज, तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर, तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगी है, हम लोग खुद न कर रहे हैं, इसलिए सब चीज छोड़ दीजिए, याद रखिए हम आपको बता देते हैं, हम लोगों का उद्देश्य है लोगों के हित में काम करना, और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, आपस में कोई विवाद न हो,
एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। अब देख रहे हैं ना अभी वर्षा पात नहीं हो रहा है, तो हम लोगों के लिए अभी सबसे बड़ी चिंता बिहार में है। इसके लिए मीटिंग कर चुके हैं और सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया, सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसान। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई, एक एक चीज में जब जो कितनी बड़ी चुनौती है, एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए बनाम इंडिया कितनी बड़ी चुनौती है। ये ना भाई, वो लोग कभी एनडीए चलाए हैं? आप एनडीए का नाम हम कहा के लिए ले रहे हैं? वो तो अटल जी के टाइम का है, कभी बाद में मीटिंग नहीं किए ना, उनका कोई एनडीए अब है, अब तो नया बना है, तो इसका ना महत्व है जी। मुख्यमंत्री जी, राजस्व में भूमि सुधार के कई अधिकारियों की तबादले को आपने रद्द कर दिया पिछले महीने, जो ट्रांसफर को करना पड़ा, जब निरस्त कर दिया, क्या चीज जो निरस्त कर दिया है आपने, रद्द कर दिया? अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार एक महीना देते हैं, तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे अधिकार तो हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे, अब फ्रेश नया किया, वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताए हैं जी। आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए, 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया एक महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब, आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब दिया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको भी रोक दिया गया, फिर सब ठीक ढंग से होगा और विभाग तो समझना चाहिए उसको। राजद जेडीयू कांग्रेस ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग, अब उसमें जो जो बात बोला है हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है, सब लोग ने बोला है, तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है प्रेस किया मंत्रिमंडल का, तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपता है क्या ही बोला, यही बता देंगे आप, अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज में, देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है, अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकास और कभी कोई प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है, आएंगे तो फिर से एनडीए वाले। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है, आप समझिए ना लीजिए, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना, इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए हैं, तो घबराहट में हैं, तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले।